हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून. आज गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी. सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग. सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में खुश होंगे. एंड देन धूप तो निकली आज अच्छी खासी. कल रात को बारिश हो गई थी, प्लस आज क्या हुआ, सिलेंडर भी नहीं है. हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया जो मैंने पहले से रिफ़िल करा के नहीं रखा हुआ था, तो मेरे लिए हो गया दिक्कत. आज हमने कुछ नहीं बनाया. सुबह थोड़ा सा खाना हल्का बचा हुआ था, एंजल ने वही खा लिया. और मेरा तो समझ लो फास्ट हो गया आज, मतलब क्योंकि अब ये देख लो इतना टाइम हो गया और अभी कुछ पता नहीं है मेरा, मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं. तो देखती हूँ थोड़ी देर में, अभी बाहर जाती हूँ, फिर देखती हूँ बाहर से कुछ खाना पड़ेगा आज तो. भी सिलेंडर मैंने मासी को कॉल किया था, मैं कहा मासी आपके पास पड़ा हो तो, बट मासी ने भी अभी बुक कराया है, आज ही बुक कराया है. तो वो आएगा तो या तो तब मिलेगा मुझे सिलेंडर, अदरवाइज़ एकदम शॉर्ट नोटिस पर कहाँ से अवेलेबल हो, तो कल तक ही आ पाएगा. तो अभी आज तो मेरे को बाहर ही खाने का देखना पड़ेगा कुछ. सो धूप निकल रही है बहुत अच्छी, ये देखो बाहर. और एंजल गई फिर से स्केट्स के लिए, ट्यूशन तो वो होके आ गई थी, 3 बजे इसकी ट्यूशन थी. और प्लस अब देखते हैं बाहर जाके क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ. और बाकी आपने मेरा व्लॉग देखा होगा लोहड़ी का, कैसा रहा बताया नहीं, आपने कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको. तो मासी के घर लोहड़ी थी, ट्विंस बेबी थे उनके, फर्स्ट लोहड़ी थी उनके बेबी की, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल, जो मैंने बताया था उस व्लॉग में. अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके मेरा प्रीवियस व्लॉग चेक करो, उसको पसंद आए तो लाइक भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़. सो चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी से, दिखाती हूँ फिर मैं बाहर जाती हूँ तो क्या खाऊँगी क्या नहीं खाऊँगी, या जाऊँगी भी या नहीं पता नहीं. बाकी इस व्लॉग को करेंगे कंटिन्यू जल्दी से. ओके गाइस, मैं अब आ गई हूँ बाहर चाउमीन खाने. मैं खा रही हूँ चाउमीन और स्प्रिंग रोल विद कोक. यहाँ पे पता है बहुत टेस्टी यम्मी चाउमीन मिलते हैं, मेरे घर के पास ही है. चलो मैं इंजॉय करती हूँ, बाद में बाकी दिखाऊंगी आपको. आगे हमारे स्प्रिंग रोल चाउमीन हम खा चुके हैं, आप लोग भी खाना. हाँ जी गाइस, तो हम बाहर आपको दिखाई था मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, बट मुझे करनी थी शॉपिंग भी, तो मैंने की है सुविधा से शॉपिंग. सुविधा स्टोर है यहाँ पे देहरादून में, वहाँ से शॉपिंग. और अभी आज है मकर संक्रांति, तो हमने 2 लिफाफे भी लिए खिचड़ी के किसी गरीब को देने के लिए. तो आज वो देते हैं किसको देते हैं. तो हमने एक अंकल को दे दिया वो लिफाफा मकर संक्रांति का, पूरा रैप था, मैंने 2 लिए थे. वो बोलते हैं ना मतलब कि दान देना चाहिए, और मेरी तो वैसे ही हालत इस टाइम पे बहुत खराब चल रही है, मेरी सिचुएशन तो ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए. तो अब देखते हैं, कहते दान देना चाहिए. आंटी ने भी मुझे बोला कि देना चाहिए, मेरी आंटी है देहरादून में जो, उन्होंने तो, और मैंने इसलिए फिर 2 लिफाफे ले लिए थे और एक दे चुकी हूँ, एक अभी और दूंगी किसी को. तो देखते हैं किसको देते हैं अब नेक्स्ट, किसको थोड़ी सी हेल्प कर पाएंगे हम, लिटिल सी हिन्नू सी, बट चलो कोई बात नहीं है ना, कुछ तो कर रहे हैं जितना हो रहा है. बाकी सच में मेरी इस टाइम सिचुएशन उतनी हेल्प करने की भी नहीं है, बट फिर भी देने वाला ऊपर वाला है ना, बाबा जी हैं, कोई बात नहीं. चलो ठीक है, बाकी देखते हैं अब किसको देते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे जल्दी. हाँ जी, तो जैसे बताया था कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, तो हमने क्या खाना है आज, क्या खाएगा कद्दू? कद्दू ने बोला हम बाहर खाएंगे, तो मैं अपने कद्दू को बाहर लेके आया हूँ. बस मुझे बताएगा इसने शाही पनीर के अलावा कुछ नहीं खाना. चिकन तो आज सैटरडे है, नहीं खाऊंगी मैं. तो आप अकेले नहीं खा पाओगे ना, फिर हम लोग क्या, शाही पनीर या मटर पनीर, एक चीज़ बता दो. शाही पनीर और साथ में मिक्स वेज करा ले. शाही पनीर और नान ले लेते हैं बस, काफी मार लिए. तो अब हम लोग खा लेते हैं, अभी पता नहीं है टेबल कितनी होगी, पता नहीं शायद बैठा होगा यहाँ पे ना. नो, क्यों क्या करना है, खुद दिखा दे गाइस. हेलो गाइस, आप लोग
क्यूट सा बेबी है, बबी क्यूट सा बेबी है, इसको मैं आपका भी दिखाती हूं। एंड देन अब हम ऑर्डर करेंगे। और एंजल देखो टेबल की सफाई में लगी। एंजल आप क्यों क्लीन कर रहे हो, वो कर देंगे, इट्स ओके। एंड देन फिर देखते हैं। हमने खा लिया खाना, एक बेड रखी थी हमने कि मतलब एंजल अगर आज तीन पीस नान के खाएगी ना, तीन पीस ओनली मतलब वन नान, तो एंजल को एक गिफ्ट मिलेगा। तो उसने उसमें से मेरे को दिया, मैंने खाया उसमें से भी। तो एंजल सेट की मेरे गिफ्ट का है, तो क्या इसका गिफ्ट बनता है? नहीं बनता ना। पर दूसरी चीज़ फिर मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा बाहर मैंने खिला दिया था, कोई यही गिफ्ट है। तो अब पता क्या होता है इसकी वजह से, पता बाहर खाने का मतलब होता है कि शाही पनीर लाइक है मिठ्ठा, मेरे को पसंद ही नहीं मिठ्ठा खाना है, मिठ्ठा कौन खाता है। बट इसके साथ मैंने ये दे छुप गई, अंदर छुप गई जाकर टेबल के अंदर। चुप रहना बिल्कुल, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। अब मम्मा व्लॉग बना रही है, मम्मा को पता नहीं है। तो अब हम करते हैं बिल, अब जाते हैं घर क्योंकि लेट हो रहा है, ठंड हो रही है बहुत, बारिश कभी भी हो सकती है। तो खाना हम खा चुके हैं, देखो एंजल और मैं अब जा रहे हैं घर। और आज का दिन हेक्टिक था, बहुत हेक्टिक था। कुछ क्या रही पता नहीं, कौन कर रहे मम्मा भाई, अब पापा कर रहे होंगे। तो बस आपका भाई कर रहा है, मेरा भाई तेरा क्या है? मामा। तो फिर मामा बोला करो ना, आपका भाई कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं इस व्लॉग को अभी कंटिन्यू करूँगी बाद में। हाँ इसकी सुन लेते भले। हाँ गाइस, अगर मैं मेरे दांत खोल जाऊँ तो पता है मैं कैसे लगूँगी? जी ना यकी, कितनी बुरी लग रही है ये सीरियसली। तो अब चलते हैं घर, मुझे आ रही है हिचकियाँ। रुक गई फाइनली, सीरियसली नहीं फिर आ रही ना। चलो अब मैं जाती हूँ घर, फिर करते हैं एंड। ठीक है फिर, आपके लिए जल्दी अपलोड भी करना है। वैसे मैं अपना व्लॉग लेट ही अपलोड कर रही हूँ आज पर, तो इसको करते हैं एंड। चलो ठीक है, मैं नीचे चल के अब दे देते हैं। उसको गिफ्ट दे दूँ जरा मैं। गिफ्ट खाना पूरा खाना नहीं होता है इसने ढंग से, इसको गिफ्ट आपने जानबूझ के लिया था मेरे बहन से ताकि मुझे गिफ्ट ना मिल पाए। इसने पता है मैंने इसके लिए थोड़ा मतलब इसके नान में से छोटा सा बाइट लिया इसके हेल्प करने के लिए। इसने बोला छोटा नहीं बड़े वाला लो, बाहर निकलो। चलो हम बिल करके घर चलते हैं, फिर करते हैं कंटिन्यू। ओके बैक एट होम, हम घर पे आ गए। घर पे आते हुए हमें गार्ड रूम से मिला है ये पार्सल जो पापा ने भेजा है। मतलब लाइक आया तो इंडसइंड बैंक से था, मेरा क्रेडिट कार्ड आया था और घर पे दिल्ली वाले एड्रेस पे, क्योंकि मैंने फॉर्म में वही एड्रेस फिल कर दिया था। तो पापा ने मुझे यहाँ पे कुरियर करा ये, कल किया था, आज मेरे को रिसीव हुआ है। पापा की हैंड राइटिंग, पापा पता है मोस्टली ना सारे कैपिटल अल्फाबेट्स में ही लिखते हैं। तो थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को ये भेज दिया टाइम से। एंड देन एंजल और मैं बाहर ही खाना खा के आए, सिलेंडर नहीं था घर में। तो चलो कोई बात नहीं, बट हाँ मासी से मेरी बात हुई। तो अभी मासी का जो बेटा है ना, ट्विंस बेबी है ना उनके, उनके बेटे की ना तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। और पर मेरे को ना बहुत उसके लिए थोड़ी सी मतलब टेंशन सी हो रही है, लाइक छोटा है वो अभी, कल उसको लूज मोशन लग रहे थे और परसों उसको वॉमिट हो रही थी बहुत ज़्यादा। और अब पता नहीं वो दो ढाई घंटे से कंटिन्यू रोए जा रहा है, पता नहीं उसको क्या हो गया। तो अब उसको पटेल नगर लेके गए हैं वो ना हॉस्पिटल, मासी और मतलब मामा का बेटा रखा ना मासी के घर पे, बॉबी हरप्रीत सिंह नाम है उसका, वो लेके गए हैं वहाँ पे। तो मैंने मासी को बोला मासी कोई ज़रूरत है तो बताओ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी थोड़ा टेंशन तो होती है क्योंकि छोटा है वो यार। बाकी देखती हूँ, मैं भी मासी को फ़ोन करती हूँ, देखती हूँ क्या पोजीशन है, नहीं तो जाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इस व्लॉग को करते हैं अभी यहीं पे एंड। गाइस आप भी प्रेयर करो कि वो दोनों सही हो गए, ननू मुनू बेबीज। हाँ आप लोग भी प्रे करना वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो अच्छे से ठीक से अपना मतलब सही रहें, अच्छे रहें, बाबा जी की मेहर रहे उन पर। तो मैं तो यही कहूँगी, बाकी आप सबकी प्रेयर्स, आई होप सब ठीक ही होगा।
और मासी अकेले हैं, मास्टर जी मेरे इंग्लैंड चले गए हैं, तो मासी सब मैनेज कर रही है। और फिर सब पता ही, आपको भी देखा जाए तो उनके सारे बच्चे छोटे हैं, तो अकेले मैनेज करना बहुत टफ होता है। बट चलो कोई नहीं, मैं मासी को फ़ोन करके पूछती हूँ क्या पोजीशन है क्या नहीं, एंड देन चलो इस व्लॉग को फ़िलहाल करते हैं एंड। बाकी कल के व्लॉग में बताऊँगी मैं आपको क्या हुआ क्या नहीं, और क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 11 बजने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सब अपनी अपनी फैमिली में खुश रहना, सब अपना एक दूसरे का ध्यान रखना। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।